So we are taking some previous year questions and uh, <clears throat> the first question in it is it is asked in I think 2013. So those are Tiranka question. The question is in a rare coin collection, there is one gold coin for every three non-gold coins. 10 more gold coins are added to the collection and the ratio of gold coins to non-gold coins would be 1 is to 2 based on the information the total number of coins in the collection now becomes okay fine so हमारे पास दिया गया है कि इन अ रेयर कलेक्शन देर इज वन गोल्ड कॉइन फॉर एवरी थ्री नॉन गोल्ड कॉइन्स यानी इनिशियली गोल्ड कॉइन्स इज टू नॉन गोल्ड कॉइन्स इन द रेशो वन इज टू थ्री और वी कैन से इट 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 एज एज कुड बी टेकन एंड इज वेन टेन मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड when 10 more gold coins are added the collection and the ratio of gold coins to non-gold coins becomes 1 is to 2 so when we add 10 gold coins to it the ratio becomes 1 is to 2 so this will help us to find out the value of x that is 2 into x plus 10 is equals to 3x or we can say that this becomes 2x plus 20 is equals to 3x or 20 is equals to x. So initially we were having x number of 20 coins were there. Now it is saying how what is the collection of coins now? What is how many coins are now? So, what it will be? We will be taking it as x plus 10 and plus 3x. Because gold coins, gold coins, x except 10 over, or non gold coins, 3, 3x. So, that will be equals to 4x plus 10. Or, that is equals to 4 into 20 plus 10. And that is. 90 ऑप्शन है इसी तरह से क्वेश्चन इज आउट ऑफ 120 एप्लीकेंट्स फॉर ए पोस्ट 70 आर मेल्स एंड हैव है ड्राइवर्स लाइसेंस व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स ड्राइवर लाइसेंस ओके टोटल वन ट्वेंटी एप्लीकेट है आउट ऑफ दिस सेवेंटी आर मेल्स

or maximum when all the males will be having license in that case all 70 males would have the driver's license and only rest of the driving license are with females any 10 so for that matter the minimum number of males having the license should be 30 and the maximum number of males having the license should be 70 so this ratio is 30 is to 70 and that becomes 3 is to 7. So that is the answer for us. And this was asked in the previous exam. So for that matter, 3 is to 7 is the answer for us. So yeah, just go through the question once and then we'll move ahead. <clears throat> Actually, these were the question asked in 2015.

एंड पॉल अगर मैं इनका इनकम ले लेता हूं जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है ट्वेंटी फोर थाउजेंड एंड एटीन थाउजेंड इनके एक्सपेंडिचर्स सॉरी सेविंग्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों में इट बिकम सिक्स थाउजेंड एंड सिक्स थाउजेंड एंड वी विल बी गेटिंग देयर एक्सपेंडिचर्स डेट इज एटीन थाउजेंड

हम एक ऑप्शन और चेक करके कर सकते हैं देख सकते हैं कि यार हमने जो किया वो सही भी किया कि नहीं वी कैन टेक एनी ऑफ दिस ऑप्शन अब यहाँ पे हर एक ऑप्शन जो है ना उसमें इनकम जो लिया गया वो फोर इंस टू थ्री की रेशियो में लिया गया है चलिए हम बी ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं बी ऑप्शन वॉज लाइक ट्वेंटी एट थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन थाउजेंड इफ यू सब्ट्रैक्ट सिक्स थाउजेंड फ्रॉम देम उजेंड ई फ्रॉम दम तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा दिस विल बिकम ट्वेंटी टू थाउजेंड एंड दिस बिकम्सेंड तो वी आर नॉट गेटिंग द रिक्वास विल नॉट बी टेकन फर्दर सो दिस इज नॉट द आंसर सो इस तरह से हम ऑप्शन को देख के वी आर एबल टू फाइंड आउट द आंसर डायरेक्टली तो दिस इज द आंसर नो लेट एस मूव ऑन टू दर क्वेश्चन चलिए देखते हैं इन 500 मीटर रेस बी स्टार्ट्स 45 मीटर्स अहेड ऑफ ए बट ए विंस द रेस वाइल बी स्टिल 35 मीटर्स बिहाइंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी एज्यूमिंग दैट बोथ स्टार्ट्स एट द सेम टाइम वेरी इजी इट इज देखें हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कितना है डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज 500 मीटर बिकॉज वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक गया लेकिन डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इज 500 माइनस एक तो उसने 45 मीटर्स का स्टार्ट लिया था और एक वो 35 मीटर्स पीछे रह गया सो दिस इज 500 हंड्रेड माइनस एट्टी फोर ट्वेंटी इसलिए अगर इन दोनों के स्पीड्स की बात करें तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड तो यहाँ पे हमारे पास बच्चे स्पीड क्या जाएगी हमारे पास स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कवर्ड सो दिल बी इक्वल्स टू दे स्पीड ऑफ एज टू स्पीड ऑफ बी इज 500 meter is, to meters. That is equals मीटर इज टू is to मीटर्स one. इज आप टू रहे होंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है चलिए, सेम टाइम अब जब एक टाइम के लिए भागे और एक टाइम के लिए फिनिश किया इन्होंने जब रुक गए तो तब ए ने 500 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया था और बी ने 420 मीटर्स का तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अलग अलग डिस्टेंसिस भाग रहे हैं तो डेट देयर स्पीड एंड दे आर इन द रेश ट्वेंटी फाइव इज टू ट्वेंटी फॉर डेट मैटर इज द आंसर फॉर अस जस्ट रीड द क्वेश्चन वंस गो थ्रू द एंड देन वी विल मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो देखिये इसमें जो क्वेश्चन नंबर टू है जो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर दिस इज ऑफ दू जीरो वन एट आप इसको एक बार करिए देन आई विल बी गोइंग विद द क्वेश्चन ऑफ टू जीरो वन सिक्स ये ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है जो भी हमने पहले किया आप एक बार इसको गो थ्रू करिए आप इसको ट्राई करिए एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं हमारे पास टोटल इनकम जो है ना वो इसका टोटल का मल्टीपल होना चाहिए यानी फोर इज टू थ्री है ये तो टोटल पार्ट्स अगर हम देखेंगे तो सेवन पार्ट्स होगा सेवन का मल्टीपल होना चाहिए बट यहां पे एवरी ऑप्शन इज मल्टीपल ऑफ सेवन नाउ व्हाट टू डू हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे देखिए ट्वेंटी एट थाउजेंड को आप एक्स एंड वाई की इनकम्स ले लीजिए एक्स विल हैव फोर आउट ऑफ सेवन ऑफ ट्वेंटी एट थाउजेंड

सो so, एक का इनकम आ गया सिक्सटीन थाउजेंड दूसरे का इनकम आ गया ट्वेल्व थाउजेंड अगर हम इसमें से सिक्स थाउजेंड माइनस करेंगे दोनों में से सो सेन थाउजेंड एंड सिक्स थाउजेंड मीन्स ये रेशियो बन जाएगी फाइव इज टू थ्री विच इज नॉट द डिजायर्ड रेश्सपेंडिचर तो हमारा ये आंसर ऑप्शन नहीं हो सकता इसको छोड़ सकते हैं दिस ए, को लेके चलते हैं फोर्टी टू थाउजेंड एक्स वुड हैव अगेन वही फोर आउट ऑफ सेवन ऑफ फोर्टी टू थाउजेंड, डेट विल गिव ट्वेंटी फोर थाउजेंड, एंड बी, वुड हैव थ्री आउट ऑफ सेवन ऑफ फोर्टी टू थाउजेंड सो इट शुड बी एटीन थाउजेंड नो

फोर एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री एक्स माइनस टू वाई लीनर इक्वेशन वाला उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा बट अगर हम ऑप्शन शुड बी यूज वो भी थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है कि ऑप्शन को कैसे यूज करना है राइट तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दिस इज द टोटल एमेंट ऑफ टू पर्सन आर द सेम बट वन गेट्स अलाउंस ऑफ सिक्सिक्स एंड

हमें एक्स इज टू वाई का रेशो चाहिए दैट कम्स टू बी वन एटीजी फाइव राइट आप दोनों को डिवाइड करें इट इज इन द रेशो थर्टी सिक्स इज टू थर्टी थ्री एंड फाइनली वी गेट इट एज टू इलेवन सो माई आंसर विल बी ट्वेल्व इलेवन अब बहुत से लोग ना गलती ये भी करते हैं कि दे जस्ट राइट इट एज ओके का रेशियो ले ले लेते हैं ये रेशियो आ जाएगा थर्टीन इज टू सिक्सटीन वो भी आंसर ऑप्शन में है तो दैट इज बट दैट इज नॉट द राइट आंसर दिस इज द रोंग आंसर राइट तो हमने इसको इस तरह से ध्यान देना है कि हमें क्या पूछा गया और हमने किस तरह से इसको

we get the number as 10y plus x now it is saying this k here 10x plus y upon 10y plus x are in the ratio 4 is to 7 Let us multiply this seven times ten x plus y is equals to four times ten y plus x. This becomes seventy x plus seven y is equals to forty y plus four x.

एक्स वाई को ही हम लोग टेन एक्स टू वाई तो जो हमारे पास यूनिट प्लेस पे नंबर है वो बड़ा है एज कंपेयर टू दिस और ऐसे कितने केसेस हैं ऐसे केसेस हैं लाइक वी आर हैविंग ट्वेल्व ट्वेंटी फोर देन थर्टी सिक्स फोर्टी एट इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बन पाता क्योंकि द नेक्स्ट विल बी

देन वी आर हैविंग एन अदर क्वेश्चन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाला है थोड़ा सा मजेदार है तो इसको हम देखते हैं आई मेक अ स्पेस फॉर द सोल्यूशन जस्ट दिन खिसका के थोड़ा इधर लगा देता हूं राइट right. छुट्टा कर लेते ऑप्शन ओके नाउ लुक एट दिस बिफोर वी गो फर्दर

वट इज द रेशियो ऑफ क्वाटिटी ऑफ लिक्विड ए टू डेट ऑफ क्वान्टिटी ऑफ लिक्विड बी इन द फाइनल मिक्सचर ओके देखें जी हम लोग इसको क्या मानते हैं हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं आपने इसको ध्यान से देखना है ओरिजिनल liquid is x liters and and quantity taken out in each operation is Y लीटर्स ठीक है ओरिजिनल लिक्विड है एक्स जो कि यहां पे ट्वेंटी है है ना ये दिया गया ए बॉटल कंटेंट ट्वेंटी लीटर्स एंड क्वांटिटी टेकन आउट इन ईच ऑपरेशन इज फोर लीटर्स तो यहां पे वाई इज इक्वल्स टू फोर लीटर्स नंबर ऑफ ऑपरेशन यानी ऐसी बात कितनी बार की गई कि क्वांटिटी निकाली गई फिर दूसरा मिक्सचर डाला गया फिर क्वांटिटी निकाली गई तो इट इज एन सो हम कहेंगे अमाउंट ऑफ ओरिजिनल लिक्विड लेफ्ट बस आपको इसके ऊपर ध्यान देना है After N operations is X into one minus Y upon X raised to power N. For this case, A would be twenty. इंटू वन माइनस फोर अपॉन ट्वेंटी फॉर टू टाइम्स सो इट विल बी ध्यान से अब देखिएगा हम क्या कर रहे हैं कैलकुलेशंस कितनी सिंपल हो जाएंगी दिस इज ट्वेंटी इंटू फाइव माइनस वन अपॉन Five cast square. This is A would be twenty into four upon five square. It is twenty into sixteen upon twenty five. This is four, this is five. So you got sixty four upon.

अब आपको 12.8 एंड 7.2 का रेशियो फाइंड आउट करना है तो 12 is 12.8 पॉइंट एट इज टू सेवन पॉइंट टू इज वन ट्वेंटी टू सेवेंटी टू और आप इसको एट से ले सकते हैं दिस बिकम्स सिक्सटीन इज टू नाइन so that will be the final ratio for us so we got 16 is to 9 is the final ratio for us मैं आपको एक बार दोबारा से बताता हूँ ओरिजिनल लिक्विड आपने लेना है x liters जितना लिक्विड हम लोगों ने बाहर निकाला है उसको हम लेंगे y liters और नंबर ऑफ ऑपरेशन कितनी बार ऐसा काम किया एक बार किया दो बार किया तीन बार किया उसको हम एन लेंगे तो अमाउंट ऑफ ओरिजिनलिजिनलिजिनल ऑपरेशन इज x raised to power n बस हमने वैल्यूज को डाला एंड वी uh, जितना a बच गया ओरिजिनल में से a को माइनस करेंगे तो बी मिलेगा एंड देन वी फाइनली फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टू एज रेशन सो दिस दिस विल बी द फाइनल आंसर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई टू गेट इट डन फॉर यू फॉर्चुनेटली ये खुद ही आ गया क्वेश्चन में तो दैट इज बींग डन तो दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आई वॉन्टेड टू गेट इट डन फॉर यू तो आप यहाँ पे देखिए कि जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी whatever it आर एबल टू अब द इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे खुद से इसको लेके चलेंगे एंड नेक्स्ट uh, जो हम लोग टॉपिक पिक करेंगे इसके बाद वो है टाइम एंड वर्क तो ये वाला टॉपिक तो ऑलमोस्ट फिनिश्ड है अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम कोई भी अगर आपका डाउट्स हैं किसी भी कहीं जगह से कोई क्वेश्चन आपको मिलता है यू जस्ट सेंड इट टू मी I will solve it for you and then I'll send it to you. But in the meantime, Kandi, go through all these things what we have done today. And with this, we are finished with ratio and proportion also. So keep doing the work. Just keep on working. And test, I will be able clear. So bye for today. God bless you all. Take care. And